कोरिया जिले का बैकुंठपुर अस्पताल अक्सर साफ सफाई और अन्य मामलों पर हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। मौजूदा हालातों में मेल वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन इन दिनों कॉकरोच के भारी भरकम तादाद से परेशान हैं। अस्पताल प्रबंधक का इस ओर ध्यान ही नहीं है। गंदगी से पनपे ये कॉकरोच मरीज के बिस्तर, टेबल और मरीजों के शरीर में चढ़कर घूम रहे हैं। एक भय का माहौल पैदा कर रखा है। मामले पर अधिकारी का कहना है कि कॉकरोचों से कोई खतरा नहीं है। भर्ती मरीज के परिजन ने बताया कि वो 4 दिनों से अपने दादा को लेकर एडमिट है। खाने पीने के रखे सामान पर भी कब्जा जमाते हैं। मजबूरी में खाने से अलग कर खाना पड़ता है। साफ सफाई की भी लचर व्यवस्था है, जिसे मरीजों ने खुद बयां करते हुए कहा कि बाथरूम की साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मामले पर CMHO का कहना है कि कॉकरोचों से मरीजों को कोई खतरा नहीं है। ऐसी अभी तक कोई जानकारी भी नहीं मिली है जिसमें कॉकरोचों ने मरीजों को कोई नुकसान पहुंचाया हो। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देखो, कॉकरोच अगर मेल वार्ड के पलंग के ऊपर दिखा है तो उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। जब भी पहले हुआ था, अभी ये आचार संहिता की वजह से नहीं हुआ है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा तो कॉकरोच आगे से नहीं दिखेगा आपको मेल वार्ड के पलंग पर। इनसे कोई खतरा नहीं हो सकता है, ना ही वो काटते हैं, ना ही कोई ऐसा अभी नुकसान देखा गया है कॉकरोच काटने से, कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला सामने आया हो। हमारी तरफ से सिविल सर्जन को बोलेंगे इससे संबंधित इसका केमिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, आचार संहिता खत्म होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करके उसका केमिकल ट्रीटमेंट करा लेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी।